let's start with the question answers. So we were doing the question answers. So first question we have already done. Name the elements that determine the weather of a place. So they are temperature, humidity. Rainfall, speed and direction of. सन में टेम्परेचर का रोल है. व्हेन आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे. मैक्सिमम टेम्परेचर इज इन द आफ्टरनून. एंड मिनिमम in early morning. Next, average weather taken over a long time is called climate. The second how humid bhi likh sakte ho, dry bhi likh sakte ho. Theek hai, hot ke sath sath you can write dry or humid also. अब इसमें देख लो एक बार. द टू पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर. हम दोनों में पोल्स लिख रहे हैं बट हमारे पास दो एक्सट्रीम रीजन्स पोलर भी हैं और ट्रॉपिकल भी हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्योंकि हमने सिर्फ यही दो रीजन जो हैं वो स्टडी किए हैं. ठीक है, आप पोलर और ट्रॉपिकल ही लिख लो मेन. ठीक है, उसी में ही सब हेडिंग के अंदर वो सारे कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट. आपने क्लाइमेट बताना है इन प्लेसेस का. जम्मू एंड कश्मीर. Or you can write moderately hot. ठीक ठीक है. Okay, and it is wet. हाँ, cold and windy भी लिख सकते हो. Moderately hot और wet भी लिख सकते हो. ठीक है, moderately hot का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, यानी कि ठंडा ही हो गया ना वो. Next is Kerala. Hot. Very hot and wet. Wet means continuous rain. ठीक है, हाँ moist हो गया, rainy हो गया, wet हो गया, moist हो गया, rainfall हो गया. ठीक है, any word you can write down. Next is Rajasthan. Again dry भी लिख सकते हो, humid भी लिख सकते हो. Okay. Hot and humid. हाँ जी बेटा, नो नॉइस. नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, मॉडरेट है.
रेंज भी तो होती है। मॉडरेट एंड वेट लिखिए। हमारे रेनफॉल्स भी तो हैं, आपने रेनफॉल वाला पॉइंट नहीं बोला। हॉट लिख सकते हो, वो तीनों में कवर होता है, हमारा तो तीनों में कवर होता है ना, हमारे हॉट भी है, रेनी भी है और कोल्ड भी है, तो आप मॉडरेट लिख लो। ठीक ठीक है वेदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। मैंने बाहर निकाल देना अगम, जाना बाहर बेटा। सो वेदर इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेयर एज द क्लाइमेट इट स्टेट्स अ लॉन्ग टर्म चेंजेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस बताता है जो क्लाइमेट है। जस्ट रेज योर हैंड्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स की, आपने ये बताना है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंडिकेट क्या करती हैं फॉर द अडैप्टेशंस फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और फॉर द पोलर रीजंस। ओके, कैन यू थिंक ऑल्सो दैट बोथ द अडैप्टेशंस दे कैन बी और द अडैप्टेशंस दे कैन बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो अगर ऐसा भी हुआ तो आपने बता देना है इसी में, अगर आपको लग रहा होगा। हाँ जी अगम, स्टैंड अप। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, मैम मैम नहीं करना बेटा, नो। बुक में देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सीधे सीधे। हाँ जी अगम, व्हाट इज द आंसर? लास्ट एक्स, माधव माधव। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, किसने बिठाया आपको? चितेश, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। किसी को सुन रहा है क्या बोल रहा है? अच्छा ट्रू फॉल्स हैं, वी आर ऑन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज व्हाट यू आर लिसनिंग इन द क्लास। ही इज एब्सेंट माइंडेड टुडे, बता देना एब्सेंट माइंडेड बैठा हुआ है, अकेले भी बिठाया तभी भी एब्सेंट माइंडेड है ये। We don't know which question we are doing. So the correct answer is? तो इसमें हमने पढ़ा है कि mostly कौन कौन से fruits खाते हैं, bird token हो गया, monkeys हैं, ठीक है, they mainly survive on the fruits. मेनली सर्वाइव ऑन फ्रूट्स और मॉन्कीज हो गए, टोकन बर्ड है ये, किसमें आते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड इज व्हाइट फर, सो दैट इज फॉर द पोलर रीजन। किस किस की व्हाइट फर है? पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। दे नीड टू माइग्रेट, पोलर रीजन्स में कौन से माइग्रेशन में आते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट, दे हैव लाउड वॉइस, फर्स्ट डेक्स। तुम्हें बिठाया किसने है बेटा? लाउड वॉइस,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, मितार्थी किसके हैं स्टिकी पैड्स? हाँ उनकी कह सकते हैं, या बर्ड्स की भी होती है ना, ठीक है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, नो मैम, मैम पोलर रीजन्स, वाइड एंड लार्ज पॉज, ट्रॉपिकल दिस अडेप्टेशन इज कॉमन टू बोथ। ओके तो ट्रॉपिकल में आप जहां पर बात करते हो लार्ज क्लॉज की कहां कहां चाहिए, कैमल के होते हैं, एलिफेंट के वाइट पॉज हैं, ठीक है, वॉक करने के लिए, पोलर रीजन्स में दोनों में, पोलर बियर्स में भी होते हैं, ठीक है, पेंगुइन्स के नहीं होते हैं, ठीक है, पोलर बियर्स के वाइट होते हैं। ब्राइट कलर, बेशक, स्ट्रॉन्ग टेल्स, फर्स्ट एग्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, ओके, इज दिस क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। क्यों मैम मैम कर रहे हो बेटा? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट has a large population of animals, explain why it is so. Last okay, he is saying large flora and fauna, isliye large population. मैम मैम करनी जरूरी है हैंड्स के साथ, मुझे दिख रहे हैं आपके हाथ। आदगुन सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हरमीत, बिकॉज ऑफ अवेलेबल कंडीशंस, ओके।
सिट डाउन। कार्तिक बोलो, बोलिए, कोई बात नहीं, सेम सारे सेम सेम बोल रहे हैं। Firstly, you have to tell that they are having the most favorable climatic conditions, okay? And those climatic conditions, they include hot and humid weather with the rainfall, with continuous rainfall, okay? So that climatic conditions, they are actually favorable for all the flora and fauna and for all the animals that are living in the tropical rainfall. So that's why it gives them a favorable chances of survival there, and they don't need to adapt themselves very much in that climatic conditions. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको adapt नहीं करना पड़ता है, उनके favorable climatic conditions है वहां पर survive करने वाले, जैसा उनको चाहिए वहां पर वैसा ही environment है, वैसा ही उनको climatic conditions मिल रही है. So that's why due to favorable of this condition, the climatic condition, a large number of animals, they are living in the tropical rainforest. Okay. Haan ji, who has doubt? Yes, Armeet. Beta, lines to humne kabhi bhi decide nahi ki hai. Your question should be up to the mark. Jo pucha gaya hai, उसका आपने आंसर देना है. दैट डजंट मीन कि आपने एक लाइन में कवर करना है, दो लाइंस में कवर करना है. आप क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लिख सकते हो, फूड भी लिख सकते हो. ठीक है, इजीली तो नहीं लेते हैं, बिकॉज देयर इज लार्ज कंपटीशन. ये लाइन है आपकी, ओके, यू कांट राइट द फूड हियर बिकॉज देयर इज लार्ज कंपटीशन ऑफ द एनिमल्स दैट आर सर्वाइविंग इन दिस रीजन. हाँ जी, पूछिए. उन्होंने अडैप्टेशन बेटा थोड़ा ना किसी की पूछी, उन्होंने ये पूछा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्यों सरवाइव कर रहे हैं. क्यों सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे हैं, वहां पे रेन मिल रही है उनको, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, जैसे उनका चाहिए वो वैसे वहां पर सरवाइव कर रहे हैं. You can write down the places and what type of animals they are being in the tropical rainforest. For example, करके आप लिख सकते हो. For example, these animals, they are surviving in the tropical rainforest in different parts of the Western Ghats and other places. Okay. If you want to elaborate this answer, you can add examples of animals and example of places also. Okay, for further elaboration. Now next is explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic condition. वो कह रहे हैं कि आपने example के साथ बताना है. अगमजोत, you have to tell with the help of an example that why you find animals of certain kind that are living in a particular climatic condition. हाँ जी, इधर से आदगुन के साथ बोलिए बेटा आंसर. आपने एग्जांपल के साथ बताना है कि क्यों एनिमल्स जो है वो सर्टेन काइंड के एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. जैसे पोलर बियर्स हैं, वो सारे एक ही रीजन में क्यों हैं?
हाँ तो वो क्यों रह रहे हैं वहां पे? सिट डाउन. एनीवन एल्स? इप्सा के पीछे, इप्सा के पीछे. बेटा हम इधर ऊपर देख के बोलो. हाँ जी सिट डाउन, सिट डाउन. हाँ जी बोलिए. धीरे 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 धीरे, भागना थोड़ी ना हमने कहीं पे. सो ही इज टेलिंग अबाउट द फीचर्स. आपने ये कहा है कि जो एनिमल्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं अडेप्टेशन में. ओके एनीवन एल्स? यू आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द फीचर्स? ओके गौरी, वेरी गुड. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एनिमल्स दे नीड सम पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस टू सर्वाइव. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कहते हैं कि जो डायनासोर थे दे कांट, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द न्यू और द चेंज कंडीशन, इसीलिए वो एक्सटेंट हो गए. ओके नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है सो वी हैव टू अडेप्ट आवर सेल्फ. जैसे अभी कोविड का सिचुएशन था, राइट, वी ऑल गेट वैक्सीनेटेड. वैक्सीनेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी. अब हमें विद टाइम, अगर हम नहीं वैक्सीनेशन लगाएंगे, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होंगी एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव. ओके सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन फॉर अस ऑल्सो, कि हमने उस चीज के लिए अपने आप को क्या किया है, अडेप्ट. ठीक है, ओके आप हाउसेस में रहे हो, घर में रहे हो, ठीक है, बाहर नहीं निकले, सो इट वाज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन फ्रॉम योर साइड आल्सो. अब अगर आप बाहर आते, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते इन सिचुएशंस के कारण, देन एडवर्स इफेक्ट्स विल बी देयर. सो सेम इज द केस विद द एनिमल्स. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, हमें अडेप्ट करना ही पड़ता है. एनिमल्स को भी उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ अडेप्ट करना पड़ता है. वेरी गुड. सिट डाउन. सो फर्स्टली यू हैव टू सिट डाउन. फर्स्टली यू हैव टू इलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. ओके एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. ओके एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द एनिमल आइदर फ्रॉम द पोलर रीजन एंड आइदर फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. किसी की भी एक अडेप्टेशन आप इसमें लिख सकते हो. इट विल बी बेटर If you write down the adaptations of polar region or penguins in this case, क्योंकि next वाले question में आपने elephant की बतानी है, तो एक polar region की आपकी adaptation हो जाएगी और एक जो है वो tropical rainforest की हो जाएगी. ठीक है, so in this question you have to write down the adaptations of the polar region animals. Okay, elaborating the concept of climatic conditions. हाँ, you have to tell the adaptations on the whole. हाँ हाँ सारी अडेप्टेशंस लिखनी है आपने फिर पोलर रीजन्स में. पोलर रीजन्स में या पोलर बियर्स की लिखनी है या पेंगुइन्स की लिखनी है. ओके हाँ हाँ सारी लिख दो. नेक्स्ट आर द अडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट्स. अभी दी तो थी. एक 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 अडेप्टेशन ही कहा है, पोलर रीजन्स या पेंगुइन्स में से किसी एक की अडेप्टेशन लिखनी है और सारी लिखनी है जितनी है. ठीक है हरमीत, व्हाई आर यू स्टैंडिंग? बस आप थोड़ा सा लिखना, बैठो. किसने कहा बोलने को?
अक्षरा, एलिफेंट्स की अडेप्टेशन। अब हाथ नीचे करके सुनिए बेटा, ध्यान से सुनो अब। हाँ जी, ओके। सो फर्स्ट इज द अडेप्टेशंस ऑफ द ट्रंक। ट्रंक इज एन इलोंगेटेड नोज, तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, फॉर लिफ्टिंग द हैवी थिंग्स एंड फॉर सकिंग द वॉटर। नेक्स्ट, वो हो गया बेटा, नेक्स्ट बोलो, टस्क की बोलो अब। टस्क के दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इट इज यूज्ड टू टियर द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड दे आर द पॉइंटेड टीथ। It also helps in the protection from the predators. Okay, next is ears. Ears ke do adaptation. So, due to their ears, they are having the strong hearing power. Okay, they can sense every single voices of their predators. Okay, and the second one, they can be used as the flap. ठीक है, तो वो उनको flap की तरह use कर सकते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपनी body को cool down कर सकते हैं in the hot climatic conditions. Okay, next, 10th question. A carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in. It is likely to be found in tropical rainforest. Which features adapt polar bears to live in extremely cold climate? कहते हैं पोलर बियर्स के कौन कौन से फीचर्स हैं जो उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के लिए हेल्प करते हैं। Let me speak the question also, beta. A white fur, fat below skin, keen sense of smell, thin skin, large eyes, a white fur, a long tail, strong claws, wide sharp paws, wide body, paws for swimming and gills for respiration. So A is the correct option, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि white fur है, वाइट फर है तो उसको कैमियोफ्लेज करने में हेल्प करेगी। फैट बिलो स्किन है, एक तो इंसुलेशन में हेल्प करती है और दूसरा न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। कीन सेंस ऑफ स्मेल, इजीली क्या करते हैं, अपने प्रीडेटर्स को स्मेल कर लेते हैं। ओके, कीन मींस वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, कीन का मतलब ये होता है। विच ऑप्शन, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन एमसीक्यू, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, नाउ नोट डाउन द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू इन योर एनसीईआरटी, सॉरी इन योर नोटबुक्स फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन टू क्यों सेक्स आप लिख नहीं सकते कॉपीज में? फिर लाइन लगाओ, एक तरफ लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, राइट ऑन द वन साइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलर रीजन और दूसरी तरफ लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, नो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जितने भी
यहाँ पर आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलर रीजन वाले हैं वो सारे लिख दो, व्हाइट फर है ठीक है, व्हाइट क्लॉज है वो सारे लिखी है यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जितने हैं वो सारे इधर लिखो। ओके, सो क्वेश्चन 1, 2, 5, 6, 7, 8 and 9 दैट इज फॉर योर होमवर्क। वी डोंट राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सिट डाउन, जस्ट सिट डाउन 2 मिनट्स। हाँ जी, बेटा जो आपकी 6 क्वेश्चंस में दी हुई है आपने वही लिखनी है बस। जैसे फॉर एग्जांपल लुक हियर, बोर्ड पे देखिए, पोलर रीजन में जैसे हैं वाइड एंड लार्ज पॉल्स, ऐसे ही नेक्स्ट लिखनी स्टार्ट करो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नाइट है। हाँ जी, तो ऐसे नीचे नीचे लिखनी शुरू कर देना। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर सॉइल।